सिद्धू मूसेवाले को मारने वाला ये स्मार्ट गैंगस्टर आखिर है कौन, जिसके एक इशारे पर हाजिर हो जाते हैं शूटर। देश के सबसे खतरनाक जेल तिहाड़ में बंद है ये गैंगस्टर, फिर भी बड़े बड़े नेता और कारोबारी इसके नाम सुनते ही कांपते हैं थर थर। सिद्धू मूसेवाले को मारने वाला ये गैंगस्टर सलमान खान तक को दे चुका है हत्या की धमकी। एक सिपाही का बेटा आखिर कैसे बन गया देश का सबसे बड़ा गुंडा, देखिए इस खबर में। सिद्धू मूसेवाले की मौत से उनके फैंस को बड़ा झटका लगा। ना सिर्फ फैंस बल्कि देश का हर आदमी इस हत्याकांड को देखकर सन्न रह गया। जिस मूसेवाले के गानों पर लोग थिरकते थे वो 28 साल की उम्र में शार्प शूटर के निशाने पर आ गया। 29 मई को हुए इस हत्याकांड के बाद एक फेसबुक पोस्ट आया, जिस पोस्ट ने एक बार फिर पंजाब के बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार का चेहरा सामने ला दिया। इसी लॉरेंस बिश्नोई की बात आज हम करने जा रहे हैं, जिसने जेल में रहकर ही दहशत कायम रखा। पंजाब के बिश्नोई परिवार में जन्मा लॉरेंस एक कांस्टेबल का बेटा है। जन्म के समय लॉरेंस दूध की तरह सफेद था, तो माने अंग्रेजी शब्द लॉरेंस जिसका मतलब सफेद चमकने वाली चीज होती है, यही रख दिया। लेकिन अपने नाम के ठीक उलट बेटे ने खुद को काली चमकने वाली चीज की तरह परिभाषित कर दिया। अब जरा लॉरेंस के बचपन को देखें, तो बेटा बचपन में स्मार्ट था, ऊपर से रईस परिवार में जन्मा था, जिस वजह से सभी मांगे पूरी होती रहती थी। वही लॉरेंस खेल में बहुत रुचि रखता था, जिससे घर वालों को लगने लगा बेटा खेल की दुनिया में नाम कमाएगा। पर किसने जाना था बेटा जुर्म की दुनिया में शामिल होकर नाम डुबाएगा। सबके लाडले लॉरेंस ने कभी किसी से ना नहीं सुना था, जिसका नतीजा था लॉरेंस को एक हार ने गैंगस्टर बना दिया। कॉलेज में हुई एक घटना ने लॉरेंस को बदल कर रख दिया। फिल्मों में दिखने वाली कहानी यह हकीकत बनकर सामने आ गई। लॉरेंस ने चंडीगढ़ आकर डीएवी कॉलेज में पढ़ना शुरू किया। पर्सनैलिटी अच्छी थी, दिखने में स्मार्ट था, तो सगी साथियों ने कॉलेज चुनाव लड़ने के लिए मना लिया। यहाँ उनका एक संगठन बना जिसका नाम था स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी SOPU। इसी के बैनर तले वो चुनाव मैदान में आ गया। पूरी जोर आजमाइश लगाई गई, पैसों का रुआब दिखाया गया, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसके हिस्से हार आई। बस एक हार जिसे बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल हो गया, और यहीं से शुरू हुई लॉरेंस की जुर्म की दुनिया। उसने रिवॉल्वर खरीदा और जीतने वाली संगठन से बदला लेने का ठाना। लड़ाई हुई, झगड़े हुए और पहला केस भी दर्ज हो गया, जिसके बाद लॉरेंस ने बड़े गैंगस्टर से हाथ मिलाया और अपनी नई दुनिया की ओर निकल पड़ा। अब तक उसने अपने नाम पर 50 केस दर्ज करवा लिया है। जेल में रहकर भी वो अपराध की दुनिया से जुड़ा रहा। अपने एक इशारे से ही वो बड़े बड़े कारोबारियों को नचाने लगा। जब चाहे किसी भी कारोबारी या किसी नेता की हत्या करवा दिया करता। लॉरेंस ना सिर्फ दिखने में स्मार्ट गैंगस्टर है, बल्कि उसका दिमाग भी उतने ही स्मार्टली काम करता है। देश के सबसे सख्त जेलों में शुमार रहने वाला तिहाड़ में बंद लॉरेंस स्मार्ट तरीके से फोन चलाता है, जिम जाकर फेसबुक पर फोटो डालता है। वो फोन से ही बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम देता है। एक बार वो सलमान खान को भी हत्या की धमकी दे चुका है, जिसके लिए उसने पूरे प्लान तैयार कर लिया था, लेकिन ऐन मौके पर लॉरेंस का साथी गिरफ्तार हो गया। वहीं अब उसने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कराया है, जिसके बाद उसके साथियों की तरफ से फेसबुक पोस्ट भी आया है, जिसमें बदला लेने की बात लिखी गई है। जाना दिल्ली दूर, जब रांची में है द प्रयास इंडिया, वन ऑफ द लीडिंग यूपीएससी इंस्टीट्यूट। आईएएस बनने का सपना यही होगा साकार। रांची में मिलेगा बेस्ट यूपीएससी कोचिंग। जब प्रयास करेगा आपके लिए प्रयास, तो होगा आपका सपना साकार। ऑप्शनल पेपर हो या फिर ऐसे लिखने का गुर, टेस्ट सीरीज के साथ बेस्ट स्टडी एंड एडवाइस देगा आपको सब्जेक्ट्स पर मजबूत पकड़। हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगी शिक्षा आसान। अगर देखा हो आईएएस का सपना, तो प्रयास है द बेस्ट। ज्वाइन द बेस्ट यूपीएससी कोचिंग सेंटर द प्रयास।